हाउ टू राइट एसे इन यूपीएससी सीएससी। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे हाउ टू राइट एसे इन यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी के एग्जाम में एसे कैसे लिखें? जब आप यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आप मेंस के लिए अपियर होते हैं, तो वहां एक पेपर जो होता है वो एसे का होता है। एसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का होता है। टाइम आपको दिया जाता है 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। ऐसे के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 4 टॉपिक दिए जाते हैं और सेक्शन बी में टोटल 4 टॉपिक दिए जाते हैं। सेक्शन ए से कोई एक टॉपिक, 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है और उसमें ऐसे लिखना होता है। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस पर ऐसे लिखना है। ठीक है, सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 4 टॉपिक होते हैं, इन 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस पर ऐसे लिखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक दिए जाते हैं, इन 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और उस पर ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब इस कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट किए उस पर ऐसे लिखना होता है। वो कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं? वर्ड्स लिमिट है 1000 से 1200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी आपको 1000 से 1200 वर्ड में ऐसे लिखना होता है। और ये जो एक टॉपिक सिलेक्ट किए आप, उसमें 1000 से 1200 वर्ड में ऐसे लिखा आपने, और इस जो मार्क्स होता है ये टोटल मार्क्स 125 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी जो टॉपिक आप सिलेक्ट किए 1000 से 1200 वर्ड में आपने ऐसे लिखा, ये भी 125 मार्क्स का होता है। मतलब कि टोटल आपको कोई 2 टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। ठीक है, आपको मैं सैंपल दिखाऊंगी। ये 2023 के यूपीएससी के मेंस में एसे का पेपर है। ठीक है, एसे में देखिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन ए में टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑपोजिट टीम। सेकेंड क्वेश्चन है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। थर्ड टॉपिक है, नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। 4 टॉपिक है, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट्स टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडे। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, सेक्शन ए से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, 4 टॉपिक दिए हुए हैं, कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी में टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक 1, 2, 3, 4, 1 में दिया हुआ है, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज विथ डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। सेकेंड है, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। थर्ड है, सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। फोर्थ टॉपिक है, एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन वट वन हैज लर्न्ड इन स्कूल। इसमें भी 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है और ऐसे लिखना होता है उस पर। बात यहाँ आती है कि आप कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भी रैंडम कोई भी टॉपिक, जैसे क्वेश्चन मिला, देखा क्वेश्चन पेपर, कोई भी टॉपिक उठा लिया, उस पर ऐसे लिखना होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप।
जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप अच्छे से क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट तक, ठीक है? अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा वेस्ट है, हम किस टॉपिक पे अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, किस टॉपिक के बारे में हमारे पास ज्यादा नॉलेज है और किस टॉपिक के बारे में हम हर डायमेंशन से सोच सकते हैं। हर डायमेंशन मतलब कि हर तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, ज्योग्राफिकली, जो भी उस टॉपिक में डिमांड है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, सारे टॉपिक को पढ़िए, सेक्शन ए में चारों टॉपिक को पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दो बार तीन बार पढ़िए, उसके बाद अच्छे से डिसीजन लीजिए कि कौन से टॉपिक पे हम इससे लिख सकते हैं। कोई एक टॉपिक सेट कीजिए, उसी तरीके से सेक्शन बी में भी पढ़िए, सेक्शन बी में भी चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और उस पर एसे लिखिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको 10-15 मिनट उस पर टाइम देना है, ठीक है? अच्छे से टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके बाद जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में 5 से 10 मिनट तक सोचिए कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं और किस किस डायमेंशन में लिख सकते हैं, ठीक है? उस टॉपिक के बारे में आप कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ज्योग्राफिकली, इस तरीके से आप सोचिए, ठीक है? उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप का, आप कहीं भी अगर क्वेश्चन पेपर में भी जगह है तो छोटा छोटा पॉइंट लिखकर शॉर्ट नोट टाइप के आप वहां पे लिख लीजिए, ताकि आपको ऐसे लिखते टाइम ये सब पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद आप इसका पॉजिटिव निगेटिव आस्पेक्ट भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आस्पेक्ट, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव आस्पेक्ट हो सकता है, उसके बाद आप कोटेशन भी उसमें डाल सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कोटेशन आपको याद आ रहा है तो आप वहां पे जरूर लिखिए, ये आपके आपके एसे को और भी इनरिच करता है, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी वैसा पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट किसी भी फेमस पर्सनालिटी ने ये पॉइंट बोला है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर उस टॉपिक में डेटा की जरूरत है तो डेटा डाल दीजिए, करेंट से रिलेट करके डाल सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में अगर करेंट में कुछ वैसा एग्जांपल आ रहा है एग्जांपल डाल सकते हैं, करेंट से रिलेट करके एग्जांपल डाल सकते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां तो आपको एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएगा कोई, अगर वैसा टॉपिक है तो, ठीक है? तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप इससे लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद बात आती है कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको लिखना है, ये तो आपने सारा पॉइंट लिखा लेकिन कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन बताना है कि आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप एसे को लिख सकते हैं। एसे को लिखने के लिए आपको कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको 1000 से 1200 वर्ड में लिखना होता है और इतने वर्ड में लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है, हर तरीके से सोचने समझने की कैपेसिटी होना चाहिए। उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे आपको इतने सारे कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एसे भी इनरिच होगा और बाकी जीएस पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगा और उससे रिलेटेड तो हर जगह करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है?
तो ऐसे की अभी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसको 1000 से 1200 वर्ड में लिखना होता है। बाकी जो जीएस का पेपर है, जो जीएस का पेपर है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, इसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इसमें ज्यादा वर्ड में आंसर नहीं लिखना होता है, लेकिन एसे में आपको एक टॉपिक पे 1000 से 1200 वर्ड में ऐसे लिखना होता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हम बिना न्यूज़पेपर पढ़े करेंट अफेयर पढ़कर ऐसी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़कर मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो ये आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इस अगर आप वन लाइनर को भी पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर, तो हो सकता है आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए अभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके अलावा भी आपको मेंस में आप कैसे क्वालिफाई करेंगे जब तक कि आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन से आप वन लाइनर भी किसी भी करेंट अफेयर से किसी भी टॉपिक को वन लाइन में पढ़कर आप कंटेंट नहीं ला सकते, ठीक है। तो आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का टॉपिक पे आप ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए, और वर्ड लिमिट टाइम मैनेज करना सीखिए। वर्ड लिमिट भी बहुत जरूरी है, और उतने टाइम में आप उतना सारा वर्ड में आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप टाइम को मैनेज करके ही चलिए और लिखिए, क्योंकि इसमें राइटिंग प्रैक्टिस आपको केवल ऐसे राइटिंग में नहीं है, ये जीएस पेपर में भी हेल्प करेगा, ऑप्शनल पेपर में भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।